रुको रुको रुको, हैप्पी बर्थडे। हे गाइस, वेलकम टू हैप्पीनेस इज हियर। गाइस, अभी थोड़ी देर के बाद शोने का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है, 12 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने इनके लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं केक लेके आऊँगी और रात को 12 बजे हम लोग केक कटिंग करेंगे, बट उससे पता चल जाता, क्योंकि वो अगर बाय चांस फ्रिज खोल लेते तो उनको पता चल जाता कि केक लेके आ चुकी हूँ मैं। तो मैं एक छोटी सी पेस्ट्री लेके आ गई। मैंने कहा कि रात को 12 बजे हम लोग पेस्ट्री कट कर लेंगे और फिर दिन में केक लेके आएंगे। तो अभी उनको इस बात का आइडिया नहीं है, तो अभी मैं जाऊंगी ऊपर बेडरूम में, क्योंकि वो लोग जाग रहे हैं, कल से नित्यम के एग्जाम्स हैं तो वो लोग जाग रहे हैं अभी, और मैं पेस्ट्री लेके जाऊंगी और उनको छोटा सा सरप्राइज मिल ही जाएगा। Happy birthday, dear papa. Happy birthday to you. नहीं तो fan off करो. Fan off करो. अरे angel, 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 angel. तुम इसलिए इतनी लेट नीचे अभी तक थी ना? कब से बुला रहा हूँ? क्यों, आप ही दे सकते हैं क्या surprise? इसमें आप भी शामिल हैं, षड्यंत्र में बोल दो पापा को, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अली, मेरे बच्चे ने नया नया सूट पहन लिया पापा के बर्थडे पे, इतना बड़ा बड़ा। ओह ओह, नो 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 नो, एंजल एंजल कर दो कर दो कर दो, ब्लो करो एंजल, ऐसे करो, करे अब मैं करूं क्या ब्लो? ये क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, मोमबत्ती। अरे हाँ, मिलाई हूँ ना अगरबत्ती। अच्छा ऐसे ही खा लो, मैं नाइफ तो नीचे रह गया। चलो 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 चलो, अपने आप खाएंगे। बस हो गया। अले 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 अले, मेरा बच्चा, हमें भी खिला दो। मम्मा के साथ हमें भी खिला दो। थैंक यू यार, थैंक यू। पर मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं कब से वेट कर रहा था। मैं काम कर रही थी नीचे, काम यही काम था तुम्हारा। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है शोने का बर्थडे, अभी तो वो ऑफिस चले गए हैं, लेकिन बोल के गए हैं कि शाम को रेडी रहना, हम लोग बाहर डिनर करने के लिए जाएंगे। बट मेरा प्लान थोड़ा सा अलग है। मैं शाम को केक लेके आऊंगी और घर पे ही मैंने सोचा है खाना ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि एंजल के साथ ना बाहर जाना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो इतना शोर मचाती है, बैठती ही नहीं है चैन से। तो हम लोगों ने सोचा है, एंजल क्या सोचा है, कि घर पे ही हम लोग पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, है ना एंजल? ओ देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू, जब भी ये बोलना शुरू कर दे ये क्लैपिंग करना शुरू कर देती है। तो गाइस, अभी शाम को मैं जाऊंगी गिफ्ट लेने के लिए और साथ में केक लेने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो गाइस, मैं और एंजल आए हैं अभी पापा के लिए शॉपिंग करने के लिए। हाँ, पापा के लिए। पापा,
एंजल क्या लेंगे हम पापा के लिए? आपके दिन है बोलो उनके एंजल क्या लेना है पापा के लिए? क्या लेगा मेरा बच्चा पापा के लिए? समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूं, इसीलिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जिसके लिए गिफ्ट लेना होता है ना उसको हमेशा साथ में लेके आना चाहिए ताकि वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले ले। इनको क्या पसंद आया पापा के लिए? हाँ अरे ये तो भैया के लिए, पापा के लिए तो बहुत छोटी है ये। हाँ एंजल ये तो बहुत छोटी है, पापा को तो आया ही नहीं है। ये वाली टी शर्ट मुझे नित्यम के लिए पसंद आई है तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए ले लूं। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला। वाली सोच रही हूँ क्योंकि मैंने नित्यम के लिए भी ली है टी शर्ट, उसका कलर भी ऐसा ही है सेम, और मुझे ये येलो वाली भी पसंद आ रही है तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ दोनों में से कौन सी लूं। चलो देखते हैं। पिटाई करेंगे वो तो। अभी हमने पापा के लिए शॉपिंग कर ली है, पापा के लिए गिफ्ट ले लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने के लिए, है ना एंजल? एंजल केक खाएगी? कौन सा वाला केक खाएगी बच्चा मेरा? चलो अभी हम केक लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक शॉप के अंदर। गाइस मैंने केक ले लिया है और अभी मैं जा रही हूँ घर, और घर पे जाके फिर सेलिब्रेशन होगा। गाइस 5 मिनट के डिफरेंस से मैं पहले पहुंच गई हूँ घर पे। अगर नितम के पापा घर पे आ जाते ना तो सारा सरप्राइज चौपट हो जाता। पापा आ गए, पापा 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 पापा। ओ देखो पापा आ गए। क्यों रो रही एंजल? कब से रोई जा रही है? अच्छा एंजल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड एंजल। आप नहीं करोगे पापा को विश? क्लैपिंग कर दो, कैसे करते? हैप्पी बर्थडे टू यू, कर दो कर दो कर दो। अरे वाह 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 वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी इनके लिए नेक्स्ट सरप्राइज केक। हैप्पी बर्थडे।
ये कब लाए? बस ले आए। थैंक यू। अकेले एंजल के साथ नितिन भैया? नहीं, मैं और अंजलि गए थे। अरे अंजलि, अरे वाह, पापा का फेवरेट चॉकलेट केक, ये एंजल के मुंह में। एंजल को देखो, एंजल को देखो, एंजल केक। एंजल कैसे करते हैं? एंजल यम्मी। एंजल बोलो, रुको रुको रुको, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दूचला गुगू, मुझे कौन खिलाएगा? पापा को खिलाओ नित्यम, मुझे। अरे और एंजल पापा को नहीं खिलाएगी? एंजल ने पहले टेस्ट किया पिज्जा मार के। ऐसे नहीं नित्यम, ये कौन सा तरीका हुआ? ओ मेरे फिर से क्या किया? अरे एंजल, आप खा लो, रहने दो, नहीं। बहुत टेस्टी है यार, सच में मजा आ गया। अच्छा लगा? बहुत बहुत टेस्टी। चॉकलेट फेवरेट है ना इसलिए पापा का। One more surprise. Thank you. Gift for you. मतलब क्या आज सब कुछ प्लान किया था क्या? हाँ जी। कलर प्यारा है ना? आप बताइए, मुझे तो प्यारा लगा तभी दिया मैंने। पक्का? हाँ, मेरे पास ये कलर भी नहीं था ना, देखो। कैसा नित्यम? एक और है। ये भी मेरे लिए? नहीं, ये नित्यम के लिए है। मुझे अच्छी लगी तो मैंने नित्यम के लिए भी ली। गाइस, आज मैंने खाना नहीं बनाया था इसलिए हमने बाहर से ऑर्डर किया, तो अभी हम लोग डिनर करने लगे हैं। सबसे पहले है पिज्जा, ये नित्यम की डिमांड थी, पिज्जा खाना है उसको। आपने खाना भी शुरू कर दिया, वेरी गुड। हम लोग तो वीडियो में ही रह गए, आपने नंबर लगा लिया अपना पहले। अरे 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 एंजल, एंजल फर्स्ट टाइम पिज्जा खा रही है आज। एंजल को ये वाला स्लाइस दो। हाँ, इसमें मिर्ची नहीं है। रुको रुको रुको, एंजल एंजल पिज्जा। नो नो नो, हाथ से नहीं। नो बेटा, आप खाना है। खाओ। सबसे पहले आपके लिए पेश है आपका मनचाहा सूप, मनचाओ सूप। ग्रहण कीजिए। वैसे मुझे बहुत जरूरत थी आज, क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड हुआ है। तो लीजिए। बेटे को भी बहुत हुआ है। क्या? बेटे को भी बहुत। गाइस, हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि डिनर करने के लिए हम लोग बाहर जाएंगे रेस्टोरेंट में, बट फिर हम लोगों ने फाइनली कैंसिल कर दिया, क्योंकि लास्ट हम लोग गए थे हमारी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के टाइम पे, आपने देखा ही होगा। तो एंजल ने वहाँ पे बहुत परेशान किया था, मैं तो लेके ही खड़ा रहा, तो फिर वो मजा सा नहीं आता बाहर जाने का। तो फिर हमने सोचा फिर घर पे ही ऑर्डर कर लेते हैं, जो कुछ भी हमारा मन कर रहा है खाने का, तो फिर इसलिए हमने घर पे ही सोचा डिनर करने का। आज तो लॉटरी लग गई मेरी, साल में एक ही दिन तो आता लगती है लॉटरी। क्या हो गया एंजल को? तो शोने, ये है आज का आपका डिनर। पनीर सुल्तानी और तंदूरी रोटी। और तुमने खुद तो मुझे मना करती हो कि ऑर्डर नहीं करना, बाहर से नहीं खाना, अभी आज तुमने खुद ही कर दिया पैसा। अरे आज आपका बर्थडे था ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी छूट दे दी जाए आपको। छूट छूट में फैला जा रहा हूँ मैं।
अच्छा तुम्हारा कहाँ है? चलो आज खा लो एक दिन, फिर उसके बाद पूरे साल भर डाइटिंग करवाऊंगी आपसे। तुम्हारी खाओ ना बेटा। तुम्हारी प्लेट का है? मेरी जीभ मिला रही हूँ। लेके आओ साथ में खाते। ओके तो गाइस, ये था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैं कुछ डेकोरेशन नहीं कर पाई, बट मैंने कोशिश की अच्छे से सेलिब्रेट करने की, इनको सरप्राइज देने की। और आई होप सो इनको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, मतलब ऐसा लग रहा था कि खाने में लगा, बैक टू बैक मुझे खाने पीने की चीजें मिल रही जो कि इनको अक्सर नहीं मिलती है। मैं टोकती रहती हूँ इनको और आज तो मजे लग गए आपके। गाइस, इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहें और अपना प्यार हमें देते रहें। और जो लोग भी नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।